ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 24 नवंबर को कार्तिक मास में पड़ने वाली तुलसी प्रदोष का बहुत ही पावन सा पर्व आ गया है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी वो समस्या ख़त्म ही नहीं हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस माता तुलसी की 7 लकड़ी लेनी है, उनकी पूजन करनी है और आपके जीवन की जो भी तकलीफें होंगी वो ख़त्म होंगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, है ना। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माता तुलसी का पौधा, है ना। हमें यहाँ पौधे की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने लिखा था, हमें किसकी ज़रूरत होगी, हमें तुलसी माता की लकड़ी की ज़रूरत है। अब लकड़ी यहाँ पे हमें लेनी होगी सूखी लकड़ी, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करनी है, आरती करनी है। तो लोगे कौन सी, सूखी लकड़ी। कितनी, 7 लकड़ियाँ लेनी है। मेरे जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर सूखी लकड़ी नहीं मिलती है तो किसी भी अकॉर्डिंग से कहीं से भी करके अरेंजमेंट कर लो, इंतज़ाम कर लो, बट ले लेना लकड़ी, कोई सा भी ले लो, ठीक है। अब 7 लकड़ी लेना और इन 7 लकड़ियों को इस तरीके से आपस में मिक्स करना, ठीक है, एक साथ पकड़ लेना। और क्या करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आप अपने साथ कच्चा सूत रखना। अरे वही कच्चा सूत होता है जो हमारी बहनें क्या करती हैं, पीपल पेड़ की परिक्रमा करती हैं, वट पेड़ की, उसी कच्चे सूत से इस लकड़ी को अच्छे तरीके से आपको गोल गोल घुमाना है। जितनी बार घुमा सकते हो कोई इशू नहीं है, ठीक है, घुमाना। मंत्र याद रखना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, इतना काम समझ में आ गया। अब इन 7 लकड़ियों को हमें क्या करना होगा, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये है रुई, कुछ लोग कॉटन भी बोलते हैं, तो इस कॉटन में अच्छे तरीके से इसको, पूरे लकड़ियों को अच्छे तरीके से क्या करोगे, लपेट देना। छोटी छोटी होंगी तो बहुत कॉटन भी नहीं लगेगा, तो लपेट देना। लपेटने के बाद क्या करेंगे, एक दीपक में, जैसे यहाँ पे एक लकड़ी रखी है, इसी तरीके से रुई में लपेटी हुई 7 लकड़ियों को रख देना, ठीक है। लेकर के इसको चले जाने कहाँ पे, शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन आपको किसी ही देवता के मंदिर में जाना है। भगवान शिव के मंदिर को छोड़ करके, महादेव के शिवलिंग को छोड़ करके, किसी भी देवता के मंदिर में जाना और उन 7 लकड़ियों को वहाँ पे जलाना। जो जलाओगे वो घी का दिया यहाँ पे होना चाहिए और जो लकड़ी पे आपने क्या लपेटा हुआ है, रुई या फिर कॉटन, उस पर हल्का हल्का कपूर गिरा देना ताकि लकड़ी अच्छी तरीके से जलेगी। किसी भी थाली प्लेट में ले करके और भगवान की आरती उतार देना और आपको कुछ नहीं करना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति 7 तुलसी की लकड़ी को कार्तिक के महीने में किसी भी देवता की आरती उतार देते हैं, उनके जीवन के सारे कष्ट खत्म होते हैं, ठीक है। करके देखिएगा, बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा ये उपाय था, है ना। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपको महादेव के मंदिर में जाकर के इस उपाय को नहीं करना है, बाकी किसी भी देवता के मंदिर में जाके उपाय को कर सकते हैं, ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय हमें हल्दी से करना है, क्योंकि भैया इसको करने से क्या होगा, इससे करने से हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में यूनिटी, एकता बनी रहेगी, कभी भी घर में कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, ठीक है। चलो क्रम समझना, क्रम में गलती नहीं करनी है। एक चुटकी हल्दी लेना, ठीक है, और आपके घर में जहाँ पे भी तुलसी माता का पौधा लगा हो, गमले में हो या फिर जहाँ पे भी हो, उनके गमले पे आपको उसी हल्दी से, एक चुटकी हल्दी से क्या करोगे, एक स्वस्तिक बनाओगे। जब स्वस्तिक बनाओगे तो क्या स्मरण करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्मरण करते हुए स्वस्तिक बना देना, ठीक है। हल्दी से स्वस्तिक बनानी है, बना दिया। अब इसी हल्दी के सामने भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, भगवान हरि का ध्यान करते हुए एक घी का दिया गोलबत्ती का लगाना। ये सारे काम शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में ही करने हैं, क्योंकि प्रदोष का दिन है तो उपाय प्रदोष काल में ही करने, ठीक है। इतना काम समझ में आया, क्यों, दिया लगा दिया। दिया लगाने के बाद जो भी आपकी प्रार्थना हो, जो भी कष्ट हो, वो कहना। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पहला काम। अब दूसरा काम यहीं पे क्या करना है, थोड़ा सा लेना होगा आपको हरा मूंग, जो खड़ा वाला होता है वो लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे चावल के कुछ दाने, एक चुटकी चावल का दाना लेना। साथ ही साथ एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र लोगे और उसके साथ आपको एक शमी का पत्ता लेना, ठीक है। इन 4 सामानों को लेना और उसके बाद एक तांबे का लोटा लेना, जिसमें जल भरना अपने घर से। जितनी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं उन सभी चीजों को इस कलश के अंदर डाल देना, है ना।
कलश को उठाना और लेके चले जाना कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। ये भी उपाय आपको कब करने होंगे, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी आपके विशेज हों, जो भी आपकी मनोकामना हो, महादेव का कोई भी नाम स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस जल को समर्पित कर देना, ठीक है। जब जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल अपने हाथों में लेना और अपने दोनों आँखों पर लगा लेना। आपकी जो विशेज होंगी, जो इच्छाएं होंगी, इस प्रदोष पे करना और अगली प्रदोष तक आपको बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ज़रूर करना इस उपाय को, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा उपाय था, ठीक है। दो उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस तुलसी प्रदोष पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये उपाय आपको मैं तब बताऊंगा जब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो अब समझते हैं इस तीसरे उपाय को। इस तीसरे उपाय को जो भी व्यक्ति कर लेता है उसकी सबसे पुरानी से पुरानी इच्छाएं भी क्या होती हैं, पूरी हो जाती है ना। इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आपको इस तरीके से पीला चंदन लेना है। कोई भी पीला चंदन आपके घर में हो, इजीली अवेलेबल हो, वो लेना, उसको एक छोटी सी कटोरी में डालना, थोड़ा सा इसमें पानी डालना, इसको अपने हाथों से पेस्ट बनाना, ठीक है ना। पीले चंदन का पेस्ट बन गया, अब उसको लेकर के चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमें कुछ जगहों पे उस जो पीला चंदन आपने लिया है ना उसको लगाना है। थोड़ा क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे। शिवलिंग के जो राइट साइड का भाग है वह है भगवान गणेश का स्थान। सबसे पहली बिंदी आपको कहाँ पे लगानी है, भगवान गणेश के स्थान पे, ठीक है। दूसरी बिंदी उसी चंदन से कहाँ पे लगाओगे, भगवान कार्तिकेय के स्थान पे लगा दिया आपने। जो तीसरी बिंदी आपको लगानी होगी माता के हस्त कमल पर, जिसको हम लोग माँ जगत जननी जगदम्बा का कटी भाग भी बोलते हैं, इस कटी भाग पे तीसरी बिंदी लगाओगे। जो चौथी बिंदी आपको लगानी होगी महादेव की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं, सबसे प्यारी पुत्री हैं, जिनको महादेव बहुत मानते हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको चौथी बिंदी लगानी है। चार बिंदी हो गई। जो पांचवी बिंदी आपको लगानी है वह आपको लगानी है जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस जगह पे पांचवी बिंदी लगाओगे, ठीक है। पांच बिंदी हो गई। जो छठवीं बिंदी होगी वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगानी है, छठवीं बिंदी। जितनी भी बिंदियां लगाओगे सभी बिंदी को लगाते टाइम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ठीक है। छः बिंदी लग गई, एक लास्ट बिंदी हमें और लगानी है। अब वो आखिरी बिंदी कहाँ पे लगाओगे, देखो जब हम महादेव की पूजन करके बाहर निकलेंगे ना मंदिर से, दर्शन किसके हो जाएंगे, नंदी बाबा के। अब नंदी बाबा को भी कहाँ पे लगाओगे, देखो ये जो दोनों सींग आपको नंदी बाबा की दिख रही है ना, इन दोनों, एक मिनट, इन दोनों सींगों के बीच में आपको सातवीं बिंदी लगानी होगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इन पीले चंदन से सात जगह पे सात बिंदी लगा देता है और अपनी मनोकामना कह देता है, उसकी सारी मनोकामना, सारी विशेष महादेव पूरी ज़रूर करते हैं, ठीक है। इससे प्यारा उपाय, इससे आसान उपाय हो ही नहीं सकता इस उपाय को करने का, तो सभी लोगों को ज़रूर करना। बात आ रही क्या समझ में। अब इस उपाय को करने से पहले आपको जल चढ़ाना है, जब आप चंदन लगाएंगे उससे पहले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद में जल नहीं चढ़ाना, समझ में आई बात मेरी ना। चलो तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन उपाय की बात कर ली है, एक और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं जो कि प्रदोष के दिन करने वाला सबसे आसान बहुत ही फेमस उपाय है, जो कि गुरुजी अपनी हर कथा में इस उपाय को जरूर बताते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं चौथे उपाय को। ये चौथा उपाय भी किसके लिए होगा, इच्छा पूर्ति के लिए है। और अगर आप पे घर का कोई भी इंसान बहुत लड़ाई झगड़ा क्रोध मारपीट करता है तो उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो समझते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक दरवाज़ा दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्रम समझना है। सबसे पहले शाम के टाइम पे प्रदोष काल में घी का दिया लंबी बत्ती का, कौन सा घी का दिया लंबी बत्ती का, आपको अपने घर की चौखट के बाहर लगाना है, अंदर नहीं लगाना, पहली बात तो ये करो, ठीक है। दिया लगा दिया, अब आपको चप्पल नहीं पहनना है, आपको स्लीपर नहीं पहनना, आपको जूते नहीं पहनने, ठीक है। नंगे पैर आपको क्या करना होगा, लेने होंगे सात चावल के दाने, खड़े खड़े, वो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटे हुए ना हो, ठीक है। सात चावल के दाने लेना, उसके साथ ही साथ हमें लेने होंगे तीन बेलपत्र, बहुत ही प्यारे से, बहुत सुंदर से, कहीं से कटे पिटे ना हो, ठीक है। तीन बेलपत्र लेना,
अब देखो, अगर बेलपत नहीं मिलती है तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत चढ़ी हो उसी को धुल करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। बेलपत ले लिया, साथ ही साथ आपको एक समी का पत्ता लेना, इसके अलावा आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तांबे का लोटा लेना घर से ही, और घर से ही जल भरना, 7 चावल के दाने डालना, 3 इसमें बेलपत डालना और 1 इसमें शमी पत्र डालना, ठीक है। और नंगे पैर इस कलश को उठाना और लेके कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। जाना कब है, प्रदोष काल में ही जाना, उससे पहले मत चले जाना, ठीक है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। एक बात और बता दूं 10 सेकंड में, जिसको भी नहीं पता कि प्रदोष काल क्या होता है, एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट प्रदोष काल, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, जो आपके हाथ में कलश है ना, उसको यहाँ पे करने से पहले आपको क्या करना है, महादेव से विनती करनी है, महादेव ये जल मैं आपके लिए समर्पित कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, मेरी ये इच्छा है बहुत पुरानी, आप हमारी इस इच्छा को पूरा कर दें, और अपनी कामना कह देना। उसके बाद उस तांबे के लोटे से जो जल होगा वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना, पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इसको उठाना और अपने दोनों आँखों पे लगा लेना, ठीक है। दूसरा काम ये कर दिया, एक और तीसरा काम भी आपको यहीं पे जल चढ़ाने के बाद ही करना है, कि जो महादेव का चौखट होगा ना, महादेव के शिवलिंग के पास में, उस चौखट पे बैठना, अपनी झोली को फैलाना, ठीक है। अब आपने शर्ट पहन रखा हो तो शर्ट फैला लो, साड़ी पहन रखी है साड़ी, जो भी आपके पास में है अपनी झोली फैलाना, और उसके बाद महादेव को देखते देखते विनती करना, 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना, स्मरण करना। महादेव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो विशेष होंगी, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो ना, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है। करके देखिएगा, कार्तिक मास का तुलसी प्रदोष का प्यारा सा दिन है, तो आपको यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ हम लोग बहुत सारी बातें किया करेंगे। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।